हेलो फ्रेंड्स, श्वांगीज किचन न्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ टोमेटो केचप की रेसिपी, जिसको कि हम पकोड़ों के साथ यूज़ करते हैं, पराठों के साथ यूज़ करते हैं। तो इस टोमेटो केचप तरीके से किस तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी, वो भी बिल्कुल मार्केट जैसा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी हेल्दी होममेड टोमेटो केचप हमने बनाया है। तो देखते हैं इसकी विधि, कैसे करके हमने इसको बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो टमाटर लिए हैं, पके लिए, और इनको हम आगे से इनका ये हरा डंठल काट लेंगे, निकाल लेंगे, और इनको दो चार पार्ट्स में ऐसे करके डिवाइड कर लेंगे, कट कर लेंगे, जिससे कि ये आसानी से पक जाए। तो आप देख सकते हैं, मैं एक एक करके इनको कट कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने सारे टमाटर कट मिलाऊंगी, थोड़ा सा प्याज और लहसुन, आप चाहें तो अदरक मिला सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च भी ली है कलर के लिए, आप चाहें तो सूखी लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। करने के लिए रख लेंगे हाई फ्लेम पे, हमने यहाँ पे कढ़ाई को गर्म करने के, जैसे ही हमारी कढ़ाई गर्म होती है, हम इसमें ये कटे हुए टमाटर और जो प्याज और लहसुन हमने मिलाया था और ये जो कश्मीरी लाल मिर्च, इनको सारा मिक्सअप करके यहाँ इसमें कढ़ाई में डाल देंगे। और इसको मिक्सअप कर लेंगे। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स, यहाँ पे मैंने 1 कटोरी चीनी ली है, मीडियम साइज़ जो कटोरी होती है, और 1 ये बड़ा चम्मच, और थोड़ा सा इसमें आधे से भी कम, और 1 चम्मच क्या लिया है, विनेगर या सिरका लिया है। तो यहाँ पे नमक लिया है स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा, बहुत कम लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। और इन जो को हम मिक्सअप कर लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। और हमें इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टमाटर पके हैं और टमाटर खुद ही पानी छोड़ता है, तो हमें इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें गरम मसाले भी मिला सकते हैं, या कश्मीरी लाल मिर्च की जगह आप लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप करने के बाद हम इसको एक ढक्कन से ढक लेंगे। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, सारे में ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनको मिक्स कर रही हूँ, और यहाँ पे ढक्कन रख लूँगी। बीच बीच में हम इसको देखते रहेंगे, क्योंकि हमने पानी नहीं डाला है, तो देखते रहेंगे कि हमारे टमाटर जले ना, इनका पानी ना सूखे। बीच बीच में हम इसको देखते रहेंगे, और जैसे कि आप देख सकते हैं, टमाटर काफ़ी हद तक पक चुके हैं और अभी भी इनमें से पानी निकल रहा है। तो हम इनको बीच बीच में ऐसे ही चेक करते रहेंगे। तो यहाँ पे हमारे टमाटर पक चुके हैं और मैंने इसको ग्राइंडिंग जार में निकाल लिया है, और यहाँ पे ग्राइंड करके हम इसको छन्नी से छान लेंगे, कि इसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा, कोई सीड्स वगैरह, कोई छिलका वगैरह वैसे तो है नहीं, अच्छे से इसको मैंने पीस लिया है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, अगर कुछ होगा तो वो निकल आएगा। तो इस तरीके से घर पे बहुत ही आसानी से हमारा टोमेटो केचप बन के तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है दिखने में, बहुत ही टेस्टी है खाने में भी। तो आपको लगा होगा, तो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की रेसिपी यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।